आज भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक दिव्यांग को उम्मीदवार बनाने की काम कर रही है। हम जीवन में अकेला ही यहाँ तक पहुँचाऊँ, उस संघर्ष को मैं देखा हूँ जो जमीन से उठकर ऊपर तक जाता है, उस मिट्टी का मैं एक एक कड़कों में सुनाऊँ। लेकिन फर्क इतना है, अगर हमको मौका मिलता है तो कुछ और बेहतर करने का काम करेंगे। और केवल सदर की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी रहूँगा पूरे जिले के विकास की बात करूँगा। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच इस समय हम पहुंचे हैं रामपुर कारखाना विधानसभा में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सूर्य प्रकाश शर्मा जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है डीएनपी इंडिया पे। नमस्ते। सुनने में आ रहा है कि इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, पहले तो आप एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि ये राजनीति में आने के लिए क्यों। मेरा नाम सूर्य प्रताप शर्मा है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हूँ। अभी हमको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ हूँ। और ऐसे ही मैं राजनीति में कूदने का यही प्लान है कि ऐसे ही मैं गांव-गांव का भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो छोटे छोटे प्रधान हैं, ये लोगों को गाँव की जनता के लिए जो करना चाहिए केवल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसके वजह से सरकार बदनाम हो रही है। हाँ, सरकार की योजनाओं को अच्छे से इनके पास पहुंचाने के बजाय इनके साथ शोषण हो रहा है। ये सरकार का जो भी योजना है ये लोग नहीं पहुंचाए हैं, लोग इनके वजह से सरकार की जो छवि खराब हुई है उसी को देखते हुए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करके जो सरकार की अच्छी योजनाओं को इन जन जन तक पहुँचाने का काम करे, इसलिए मैं राजनीति में कूदने का काम किया हूँ। और मैं देवरिया विधानसभा 337 का उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैं पूरे जिले के मैं भ्रमण कर रहा हूँ 7 विधानसभा का, क्योंकि तकलीफ एक विधानसभा का नहीं है, तकलीफ पूरे विधानसभा की है। और इस बार मैं जन जन तक जा रहा हूँ और अगर हमको ये मौका मिलता है तो केवल देवरिया सदर का नहीं पूरे जिले का विकास करने का काम करूंगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से साथ करूंगा। अभी इस गांव में मैं गुजर रहा था, गांव के लोग हमें देखे हैं, गांव के प्रधान भागे हैं। मैं 2 दिन के अंदर गांव के प्रधान को मैं बता दूंगा कि एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है, जिस तरह इन लोगों के सामने शोषण किए हैं। बताइए क्या नाम है उनके, 200 लोगों का शौचालय का पैसा निकाल कर गाँव का ये लोग खा गए हैं। हाँ, तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं, ये इतना बड़ा घुसखोरी, वो भी मोदी और योगी के राज में। हाँ, ये सरकार को सरसर बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये आप कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आज इस देश में हमारे जैसे दिव्यांग, जो 100% दिव्यांग को अगर ये मौका मिला हुआ है, हम पे विश्वास कर रही है, तीन गरीबों पे विश्वास उस वही सरकार कर रही है, जन जन तक को आवाज़ ऊपर तक ले जाना है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और सारी सुविधाओं का लाभ इनको मिले, इसलिए मैं प्रतिनिधि करने का विचार बनाया हूँ। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े और किन विचारों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? मैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे में जुड़ा तो बहुत समय से था, लेकिन उसके विचारधारा को मैं फॉलो करता, क्योंकि भारतीय जनता ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब पिछड़ा दिव्यांग सबको एक मंच देने का काम किया है। और बीच की जो और आज भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक दिव्यांग को उम्मीदवार बनाने की काम कर रही है। हाँ, ये भारत के इतिहास में पहली बार होना चाहिए, जब ऐसे व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम कर सकती है तो जनमानस के बारे में कितना सोचने का काम करती होगी, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप चूँकि देवरिया से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, देवरिया से मौजूदा समय में भाजपा विधायक है सत्य प्रकाश मढ़ी जी, तो उनके जगह पे आपको टिकट देने की बात चल रही है, अगर आपको टिकट दिया जाता है तो देवरिया के लिए क्या विकास होगा इस बार? देखिए, हम जो यहाँ पे करंट विधायक उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फ़र्क कितना है, अगर हमको मौका मिलता है तो कुछ और बेहतर करने का काम करेंगे। और केवल सदर की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी रहूँगा पूरे ज़िले के विकास की बात करूँगा। और देवरिया ज़िला देवों की भूमि के नाम से मशहूर है और दिव्यांग दिव्य शक्ति हैं, दो शक्तियाँ अगर एक होती हैं तो एक नया प्रदेश में एक नया काम होगा और इस शहर का नाम पूरी दुनिया में काम उठाने का काम करूँगा मैं। क्योंकि आप देवरिया से हैं और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का रखते हैं, मौजूदा समय में देवरिया के एक बहुत ही बड़े नेता, मतलब कि देवरिया के पास कुशीनगर के स्वामी प्रसाद मौर्य जाके शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी पे, और उनका ये कहना है कि ओबीसी समाज और दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी
प्रमुख रूप से देखती नहीं है, सिर्फ उनके साथ छलावा हो रहा है। अगर ये चीज 5 साल पहले ही सोच ली रहते तो 5 साल मलाई काटने के बाद पार्टी नहीं छोड़ते हैं। वो अपने भाईवाद घरवाद के नाम से बीजेपी पार्टी में अपने दबाव बना रहे थे, ऐसे लोगों को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करती, नकार देती है। उसी का परिणाम हुआ कि उनको पहले ही उनको निष्कासित करने वाली थी, लेकिन पहले ही छोड़कर पार्टी की छवि बिगाड़ने काम किए हैं। तो ये चीज़ तो कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब पिछड़ा और दिव्यांग और शोषित लोगों का काम नहीं किया है। जितना वो काम किया, जन जन तक पेट भरने का इस महामारी में अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उन्हीं का संकल्प है इस देश में कि इस तरह के लोग एक मनोबल अपनी इच्छा को भारत तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म को वो एक नया आगाज दिए हैं, ऐसा कभी भारत में नहीं था। तो ये चीज़ तो हमेशा खंडन है कि ये सरकार पिछड़ों गरीबों और उन लोगों का शोषण करती है, ये चीज़ सरासर गलत है, इस बात का कोई मान्यता नहीं है। अच्छा, ये आप इस समय आप ही के, चूँकि यहाँ पे रामपुर कारखाना विधानसभा का ये क्षेत्र है, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ पे शोषित हो रहे हैं ये लोग, ठीक, तो ऐसे जब भाजपा की राज है उस समय भी ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो छोटे प्रतिनिधि हैं, जो जैसे प्रधान हुए और क्या नाम है जो अधिकारी हैं, जनता की जो सरकार की योजना यहाँ तक पहुँचाती नहीं है और इनकी बात आगे तक पहुँचाते नहीं है, इसलिए ये शोषित हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, देवरिया में अब बदलाव होगा। वो काम बदलाव करने का काम मैं करूंगा, ये मैं संकल्प लेके लखनऊ से आया हूं और इसको मैं पूरा करूंगा। क्या एक नेता के बदलाव लाने से ये आएगा? क्योंकि मौजूदा समय में यहां से भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग जब भाजपा के हैं फिर भी क्यों नहीं? देखिए, किसकी क्या मानसा है उस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारी क्या मानसा है, हम विकास के लिए क्या कर सकते हैं, वो हम संकल्प लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ जितने जनता है पूछ लीजिए, हमारे संकल्प में अगर कहीं किसी तरह का अगर ऐसी बेईमानी कोई बात हो तो इसके गुनहगार मैं हूँगा, लेकिन ऐसा कोई छल कपट नहीं। हमारे जीवन में कुछ है नहीं, हम जीवन में अकेला ही यहाँ तक पहुँचाऊँ, उस संघर्ष को मैं देखा हूँ जो जमीन से उठकर ऊपर तक जाता है, उस मिट्टी का मैं एक एक कणकों में सुनाऊं, उस कण से कैसे चट्टान बनता वो भी देखाऊं, उसी कण से चट्टान बनाने का काम करूंगा। और इस शहर का, एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, इस शहर के विकास के लिए नई तरीके से नई योजना से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सूर्य प्रकाश सिंह जी, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको ये पहुंचाने का काम करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर देवरिया से इन्हें विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो वो इस पे जीत दर्ज करेंगे। बाकी आप डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खबरों को यूं ही देखते रहिए।